सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज की वीडियो में हम करिकुलम पेडागॉजी एंड इवैल्यूएशन की यूनिट 3 करेंगे जो कि है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। आज हम इसका टॉपिक 10 स्टार्ट करेंगे जो कि है फील्ड विजिट। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले ब्रीफ में मीनिंग देखते हैं कि फील्ड विजिट का मीनिंग क्या होता है। तो फील्ड विजिट का एक सिंपल सा मीनिंग होता है कि जब हम कोई टॉपिक जो है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हम चार दीवारी के अंदर बच्चों को नहीं समझा सकते, उसके लिए क्या होता है, हमें डिफरेंट प्लेस पे बच्चों को लेके जाना पड़ता है, उन्हें दिखाना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं फील्ड विजिट। जैसे कि आप लोग भी अपने स्कूल से गए होंगे, किसी फैक्ट्री वगैरह गए होंगे, जैसे पार्ले जी फैक्ट्री भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे बच्चों को लेके जाया गया है। तो इसमें क्या मोटिव होता है, उनका क्या मोटिव होता है कि बच्चों को दिखाएं कि बेकिंग कैसे होती है बिस्किट की। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था। तो फील्ड ट्रिप का यही मतलब होता है कि बच्चों को रियल लाइफ में लेके जाना, उन्हें दिखाना कि वो चीज़ कैसे वर्क करे, क्योंकि हर टॉपिक हम बुक से नहीं पढ़ा सकते। बच्चों को सिर्फ ऐसे नॉलेज नहीं मिलेगी अगर हम टॉपिक बुक से पढ़ाएं, तो इसलिए फील्ड विजिट लेकर जाते हैं। तो ये तो हमने सिंपल सा मीनिंग देखा कि फील्ड विजिट एक्चुअली होती क्या है। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला ये होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इसमें क्या होता है, बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाते हैं, जैसे म्यूजियम गए या फिर वो किसी साइंटिफिक स्पीशीमैन को देखते हैं, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो उन्हें एक्सपीरियंस हुआ उस चीज़ का, तो इसलिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सेकेंड इज़ नॉन रूटीनाइज लर्निंग, यानी कि हम सब भी जानते हैं कि हमें हर एक अपने वर्क से रूटीन चेंज चाहिए होता है, हम एक ही रूटीन को रेगुलरली फॉलो नहीं कर सकते, हमें कुछ चेंज चाहिए होता है। तो ये बच्चों के लिए चेंज की तरह वर्क करता है, बच्चों को चेंज मिलता है। नेक्स्ट इज़ ये इनर सेटिस्फैक्शन लाता है, इनर क्यूरियोसिटी होती है बच्चों की, वो सॉल्व होती है कि ये चीज़ कैसे होगी या कैसे दिखती है, तो ये उसे सॉल्व होगी। इसमें सारे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जैसे कि डिस्कवरी मेथड, प्रोजेक्ट लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, सबका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो ये ब्लेंड है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का। एंड द लास्ट इज सोशल इंटरेक्शन। तो इसमें क्या होता है, इस एक्टिविटी को करवाने से, फील्ड विजिट करवाने से बच्चों की सोशल इंटरेक्शन होती है। तो ये तो हमने इसके कुछ फीचर्स पढ़े फील्ड विजिट के। तो अब हम ये बात करेंगे कि फील्ड विजिट को कराना कैसा है, क्या प्रोसेस है फील्ड विजिट को अरेंज कराने का। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि बच्चों को हमें पढ़ाना क्या है, यानी बच्चों को हमें क्या चीज़ दिखानी है। कभी कभी शिमला भी लेके जाना होता है, तो क्यों लेके जाना है, सबसे पहले हमें एक एम सोचना है, पर्पस सोचना है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है प्रिंसिपल से परमिशन लेनी है, उनसे हमें प्रायर परमिशन लेनी है कि हमें बच्चों को कहाँ लेके जाना है, क्यों लेके जाना है, सब डिटेल देनी है। उसके बाद थर्ड नंबर पे पेरेंट्स से कंसर्न, क्योंकि हम उनके स्टूडेंट्स को लेके जा रहे हैं, उनके बच्चों को लेके जा रहे हैं, तो पेरेंट्स परमिशन चाहिए, पेरेंट्स कंसर्न चाहिए होती है। उसके बाद जहाँ लेके जाना है वहाँ से अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है, उन्हें बताना पड़ता है कि इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने दिन का विजिट है, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है जगह फुल हो या फिर वो सेफ ना हो बच्चों के लिए, या और भी बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि अरेंजमेंट भी करनी पड़ती है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर आता है ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट। उसके बाद हमें क्या एक्चुअली करना होता है, ट्रांसपोर्ट की भी अरेंजमेंट करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज़ ओरिएंटेशन टू द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को ओरिएंट करना है कि बच्चों आपको क्या लेके आना है, क्लोथ्स, नोटबुक्स, पेन पेंसिल एक्सेट्रा, जो भी है, मतलब कि क्या ले कैरी करो आप अपने साथ। तो टीचर उन्हें ओरिएंट करेगी स्टूडेंट्स को। फिर डिपार्चर फॉर द वेन्यू, किस टाइम कहाँ कलेक्ट होना है निकलने से पहले, ठीक है, और कैसे निकलना है ट्रिप के लिए, ये सब बताते हैं डिपार्चर ऑफ द वेन्यू में। उसके बाद अराइवल फॉर्मेलिटीज़, हाँ वहाँ पे अगर आप पहुँचोगे तो क्या फॉर्मेलिटीज़ है, क्या करना है आपको। एंड रीचिंग द विजिट, इसका मतलब जैसे हम जा रहे हैं तो बहुत दूर रास्ता है, तो बीच में अगर कोई शिमला जा रहे हैं और बीच में अगर कोई और भी चीज़ें आ रही हैं शिमला से पहले, और भी हम बच्चों को कुछ दिखा सकते हैं, तो रास्ते में हम वो भी दिखा, में कोई म्यूज़ियम पड़ रहा है तो वो दिखा दें, इससे क्या होगा हमारी जो विज़िट है वो एनरिच हो जाएगी, टाइम सेव हो जाएगा। एंड द लास्ट इज़ कमिंग बैक, वहाँ बच्चों को कैसे लाना है, कितनी सेफ्टी से लाना है, उनके एक्सपीरियंस पूछने हैं और कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनने क्या सीखा, तो लास्ट में आके बच्चों से ये सब पूछना चाहिए। तो सबसे पहले पर्पस, सेकेंड इज़ परमिशन फ्रॉम द प्रिंसिपल, देन परमिशन फ्रॉम द पेरेंट्स, परमिशन फ्रॉम द कंटेंट अथॉरिटी, ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट्स, ओरिएंटेशन टू द स्टूडेंट्स, डिपार्चर फॉर द वेन्यू, अराइवल फॉर्मेलिटीज़, एंड रीचिंग द विजिट एंड कमिंग बैक। तो ये प्रोसेस हमने पढ़ा फील्ड विजिट का, कि फील्ड विजिट करवाने के लिए क्या प्रोसेस होते हैं। तो हमने 10 प्रोसेस देखे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, क्योंकि हर एक चीज़ की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती है। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस देखते हैं फील्ड ट्रिप्स की, क्या एडवांटेजेस हैं।
तो सबसे पहले क्या होता है, रियलिटी से एक्सपोजर करवाती है कि क्या रियल लाइफ में वो चीज़ कैसी है, ठीक है। ये एक एजुकेटिव प्रोसेस है, इसमें बच्चे कुछ नया सीखते हैं, रिफ्रेशिंग मोड है लर्निंग का, बच्चे रिफ्रेश रहते हैं, सोशल बॉन्ड डेवलप होते हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग होती है, डिफरेंट प्रोफेशन से वो अवेयर होते हैं कि वहाँ पे लोग कैसे काम कर रहे हैं और क्या प्रोफेशंस हैं, टीचर स्टूडेंट्स की रिलेशनशिप भी इससे बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है। तो ये सब हमने इसके कुछ एडवांटेजेस पढ़े। अब हम आते हैं लिमिटेशंस पे। तो इसमें क्या होता है, टू मैनी हैसल्स होता है, बहुत सारी हैक्टिक होती हैं, एक्सपेंसिव मेथड होता है, डिसिप्लिन प्रॉब्लम आती है और लिमिटेड एडिशन टू द नॉलेज, यानी कि हम एक ही टॉपिक बच्चों को पढ़ा पाएंगे उसके थ्रू और उसमें टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा। जैसे 3-4 दिन में आपका एक मोटिव है टॉपिक का, वो आप एक ही मोटिव पढ़ा पाएंगे और उससे क्या होगा, नॉलेज भी बच्चों को कम मिलेगी, नॉलेज तो मिलेगी उन्हें प्रॉपर लेकिन कम मिलेगी, क्वांटिटी कम रहेगी। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। तो आज की वीडियो में हमने बात करा फील्ड विजिट के बारे में, उसके हमने फिर कुछ फीचर्स देखे, फिर हमने प्रोसेस देखा कि कैसे ऑर्गेनाइज करना है एक फील्ड ट्रिप को, और लास्ट में हमने उसके कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशंस देखे कि क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या लिमिटेशंस होती हैं फील्ड विजिट के। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़ टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।